राम राम साहब। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रतन जी, डॉक्टर राम जी, चंद्रलेखा जी, मनीष जी, राजू जी, हमारे खीमसर के ब्लॉक अध्यक्ष और माठपुरा के मेरे समस्त भाई, बहुत बड़ा गांव है, 36 गांव का गांव है डॉक्टर राम जी, बहुत संपन्न गांव है, बहुत और सुलझा हुआ है। वोट दो नहीं दो बात दूसरी है, पर मीटिंग हमेशा बड़ी अच्छी होती है, भाषण हमेशा बड़े अच्छे होते हैं, आए गए लोगों का हमेशा अच्छा सम्मान होता है और निर्णय अपने हिसाब से है। ये बहुत कम जगह ऐसा आपकी शोभा के मिलेगा कि 36 गांव के लोग प्रेम से एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। लाइम स्टोन का बहुत बड़ा बेल्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन का, लाइम स्टोन का धंधा बहुत अच्छा है, तो सब संपन्न लोग हैं यहाँ पर, कोई गरीब आदमी आपको यहाँ नहीं मिलेगा दिखता हुआ, इसलिए इनको समझाने में थोड़ा जोर आएगा। मैं हमेशा इस गांव में जब किसी एमएलए बना हूँ, हमेशा कांग्रेस के अच्छे वोट मिले। हमारे सरपंच साहब यहाँ बैठे, हमेशा पक्के कांग्रेस ही हमेशा अपना साथ दिया। आज स्थिति होते होते आप लोग जानते हो कि पहले चुनाव से लेकर आज तक आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, गाँव के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। और मैं नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी, हमने कभी इस बात को कभी भेदभाव किया हो कि तुमने वोट दिया और तुमने वोट नहीं दिया। हमने कभी भेदभाव किया हो कि ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, बसपा का है, जनता दल का है। एक बार जीत गए तो हमारा ध्येय हमेशा रहा है कि मैं जिन्होंने वोट दिए उनका भी प्रतिनिधि हूँ और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनका भी प्रतिनिधि, सबको साथ लेकर चले। और यही बहुत बड़ा कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ, हमेशा बहुत शांति रही और लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सहयोग रहा। दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले 10-15 सालों में एक छवि बनी है राजनेताओं की कि सभी बेकार हैं, कोई काम नहीं करता, फूट ले पाचा आवे को नहीं, दंतों की मतलब को नहीं है कि नहीं। अब हेटे घंटे बैठे बात कर रहा है, अखबार में पढ़ना है तो घर की बात आई, ये क्यों हुई? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप ये सोचते हो बिल्कुल सही है, मैं गलत भी नहीं कह रहा। आप ये बताइए, बिना काम किए माने तो उठाए कि मेरे को चुनाव लड़ना, सरपंच साहब मेरी तरफ है तो सरपंच साहब तो मुझे वोट दे देंगे, सामने वाले मुझे नहीं देंगे, चाहे मैं कत्ते क्यों कर लू। अगर मुझे घर बैठे वोट मिलने, बिना काम किए वोट मिलने, बिना संघर्ष के वोट मिलने, बिना पसीने बहाए वोट मिलेंगे तो भाई कौन आएगा, क्यों काम करेंगे, कोई नहीं करेगा। और जन पूछो मैं क्यों नहीं दिया कि भाई वोटों अगर काम हो जीता तो अनिल जी जीता है कि नहीं, काम हो। पर अगर आपको कामयाब होना है, आपके बच्चों को कामयाब करना है, आपके भविष्य को कामयाब करना है, आने वाली पीढ़ी को कामयाब करना है, तो आपके वोट की ताकत को आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार आपके दुख सुख के बीच में रह सकता है, आपका काम कर सकता है, आपका विकास कर सकता है। अगर आपने सही पहचान ली, सही जगह वोट दिया, तो वो वोट भी कामयाब होगा, आप भी कामयाब होगे और माठपुरा भी कामयाब होगा। इसलिए आपने बहुत गलतियां पहले की, जितने भी लोगों को आपने आज तक वोट करके जीता है 15 साल में, कुछ किया क्या? ईमानदारी से बात कर रहे हैं, वोट आपने दे दिए, वो बन गए, वो खाता खत्म हो गया। मैं तो उस खाते को खोल के आज असेस कर रहा हूँ कि आपने उनको दिया, जिताया, क्या मिला? कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के यहाँ थे उम्मीदवार, आपको ये सोचना पड़ेगा जब हमने कांग्रेस को जिताया तो हमको क्या मिला। अब हर आदमी अपने स्वार्थ में काम करता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। अब वक्त आ गया कि जनता को इस बात का हिसाब करना पड़ेगा गदल में बैठ के कि किसको वोट देने से क्या खोया और क्या पाया। अगर आप पाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया वातावरण तैयार करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को आगे ले जाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, तो आप अगर निश्चित रूप से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप एक ही नतीजे पे पहुंचेंगे। कोई पार्टी भला हमारा कर सकती है, गाँव का भला कर सकती है, गरीब का भला कर सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। तो मैं तो बेटा वोट तो आए कि नहीं दें,
कोई ना कोई जीत ही जीत जाए बड़ो वहां का हनुमान जी बट दो आदमी तैयार रखे कोई भी सैंक्शन निकलती है ना पतो कर सुबह अपने नाम से छाप देते कि मैं थाने काम कराई एड़ा चीज है तो थाने तैयार है और बीजेपी आने ठाए कि ना तो बोली जन ना लिखी जन हम जाए बैठा चीज तो बे तैयार है और वहां का रतन जी पढ़े लिखे डॉक्टर है नर्स पेशेंट है थाने देखते हैं अनपतो लग जाए कहीं कहीं तकलीफ है कहीं नहीं है हाथों हाथ तक काम हो जाए घड़ा में जी आई जी है अटल जयड़ा जलमियोड़ा मेहमराम जी की फैमिली है पहचाने हुए आधी रात के जाओगे तो ही अपना इत रहेगी कि मेरे घर के लोग आए मेरे पीर के लोग आए इनका मुझे काम करना है हम सब इनके साथ हैं सब मिलके आपका काम करेंगे हम सब जम्हरी ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपको किसी भी सूर्य पे निराश नहीं होने देंगे और हमने तो काम करके बताया विकास करके बोला है बताया जो भी आपने बातें कही हैं मैं माठपुरा के जनता के बीच में खड़ा हूँ जब कभी मैं एमएलए आ रहा हूँ यहाँ से जो भी आपकी मांगे रही है जो भी सारी की सारी मांगे पूरी हुई आपकी उसके बदले में चाहे वोट दिया हो नहीं दिया हो पर अगर ग्वाड में खड़ा हो के जनता नगर कोई मांग कर ली तो ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि उस एमएलए का दायित्व बनता है कि उस मांग को पूरी करके और फिर लोगों के बीच में जाके उनके धन्यवाद लें तो मैं उन्हें आपको पूरा आश्वासन देता हूँ चाहे डोंगराम जी हो चाहे मैं हूँ चाहे मनीष जी हैं राजू जी हैं जो भी आपके काम हो काम पूरे करेंगे हर दुख सुख में आपके बीच में रहेंगे जो काम रुका हुआ है विकास का काम रुका हुआ है उसको आगे ले जाएंगे और माठपुरा को जो विकास का वातावरण बनना चाहिए इतने बड़े गाँव के अंदर 36 गाँव के अंदर जो भी सुविधा इस गाँव में होनी चाहिए वो करेंगे इसी भावनाओं के साथ आप लोग आए इकट्ठे हुए स्वागत किया 13 तारीख को गलती मत करना गलती अगर हो गई तो 5 साल की टिकती है ये एरिया बड़ा मजबूत है किसी सरकार का मोहताज नहीं है आज हम छाती ठोक के कह के जा रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है पर हमने अगर ताल ठोक दी कोई आपने काम मांगा और हमने अगर हाँ भर दी तो यकीन दिलाता हूँ 16 ना वो काम होगा कोई नहीं बोलता इसलिए मजबूत उम्मीदवार चाहिए मजबूत पार्टी है सब चारों तरफ से देखें तो कोई तरह की कमी नहीं है और हम इनके साथ हैं ये हमारे साथ हैं कोई तरह कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार के जैसे है हम लोग आपस में इस कांग्रेस के पार्टी वाले बीजेपी पे दबाव रख के कुछ भी नहीं किया आप बताओ ईमानदारी की बात है जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है कि काम ही होगी गाँव में अब हेटे के आंटी घर बैठ जाओ बोले थे वोट दियो तो थे हाँ कौन भरो मनो को नहीं बात था पर मन में आवा है जाना की नहीं हुआ और जितने छोटा मोटा हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के शासन अब चाहे माँ जय जय श्री राम कहता ये वास्ते वोट दे दिया माँ राम राम कहता ये वास्ते कौन दिया ऐसा बातें कौन हो जाती हैं अपन को आगे बढ़ना है काम करना है विकास से जुड़ना है और मुख्य धारा में जुड़ना है उसका माध्यम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है 13 तारीख को रतन बहन जी को आपको वोट देना और जिताना हम आपको किसी तरह से निराश नहीं होने देंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप